Hello guys, welcome back to my channel, welcome to finance market, welcome friends to another video. दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे रतन पावर के बारे में. जी हाँ दोस्तों, रतन इंडिया पावर लिमिटेड, इसके शेयर प्राइस को हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर और देखेंगे कि क्या रिटर्न परसेंटेज रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए. ये सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में आपको कवर करूँगा, डिस्कस करूँगा. और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे इनक्रेज करने के लिए लाइक करिएगा अपने दोस्तों में और शेयर करिएगा. और दोस्तों इस वीडियो के साथ साथ में आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करिएगा अगर आपको किसी तरीके की डाउट है, कुछ पूछना है या यू नो किसी तरीके की प्रॉब्लम है. मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस चीज़ को सुनने में और उसको सॉल्व करने में, ठीक है. और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप अगर किसी को जानते हो जिनको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों. और अगर आप यहां पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं फाइनेंस मार्केट में तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाया करेगी दोस्तों. तो मैं आपको लेके चलता हूँ रतन पावर की तरफ. दोस्तों रतन पावर की जो शेयर प्राइस है आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा 2.05 पे ये लास्ट क्लोज होता है फ्राइडे के दिन. और मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा इसका पैटर्न क्या है. लास्ट में आपको एक साल का सबसे, चलिए पाँच साल से मैं आपको दिखाता हूँ. ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका डिक्रीजिंग पैटर्न है, एक तरीके से थोड़ा सा डिक्रीजिंग है बट कहीं कहीं के आप पीक्स हैं, इन पीक्स पे कुछ प्रॉफिट बुक किया जा सकता था, ठीक है. अब मैं आपको दिखाता हूँ वन ईयर का, ठीक है. ये देखिए वन ईयर में यहाँ पे तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है लेकिन इस पार्ट में प्रॉफिट बुक किया जा सकता था, समझ रहे हैं बात को. तो यहाँ पे ये चलिए ठीक है, एक्सेप्टेबल है. वहीं अगर मैं आपको सिक्स मंथ का बताऊं तो सिक्स मंथ का भी एक्सेप्टेबल है दोस्तों. यहाँ पे देख सकते हैं एक इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है जो कि अच्छी चीज़ है ना. अब चलिए मैं आपको वन मंथ का दिखाता हूँ. वन मंथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इस जगह पे है लेकिन कोई बात नहीं, आप होल्ड कर सकते थे इस पोजिशन में और यहाँ पर तो पॉजिटिव है, ठीक है. तो मैं आपको ये चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के ग्राफ जो होते हैं उसमें आपका प्रॉफिट बनता है, इस तरीके के ग्राफ में आपका प्रॉफिट नहीं बनता है. आई होप आपको समझ में आ रही होगी हमारी बात. अब मैं आपको पाँच दिन का पैटर्न दिखाना चाहूँगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे पाँच दिन में लगातार ये घुसता जा रहा है नीचे की तरफ, यू नो नीचे की तरफ प्लंज होता हुआ जा रहा है. तो यहाँ पर इस केस में आपको नियर बाय दिस पोजिशन यू कैन बाय एंड यू कैन होल्ड इट फॉर द पीरियड ऑफ टाइम टू बुक प्रॉफिट, क्योंकि आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आपको होल्ड तो करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप एग्ज़िट हो जाएंगे और एग्ज़िट हो जाएंगे तो वहाँ से आप लॉस बुक करेंगे या तो बहुत कम प्रॉफिट बुक कर पाएंगे. एक दिन का अगर पैटर्न देखेंगे तो इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस. तो यहाँ पे नो चेंज. यहाँ पे फ्राइडे के दिन का जो स्टेटस है दोस्तों इसका, वो आपको बताना चाहूँगा 2.05 पे ओपन हो करके वही उसका हाई है और वही उसका लो है, नो हाई नो लो. अब मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है 9.69 बिलियन की मार्केट कैप है, 9.69 बिलियन. वहीं अगर पीई रेशियो देखेंगे दोस्तों इस कंपनी की तो 15.72 है. और ये कंपनी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है तो आपको थोड़ा सा मैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ लेके चलूँगा. दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं रतन इंडिया ग्रुप जो है नेट इसकी जो वर्थ है वो $1 बिलियन है. और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके रिजल्ट्स हैं, ये 2007 के में फाउंड करी गई थी और यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग्स का कुछ डेटा है मैं आपको पेश करना चाहूँगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू रहा है 3.72 बिलियन का, जो कि 17.23% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर. वहीं नेट इनकम की बात करें तो 16.58 बिलियन की है,
वहीं अगर डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करेंगे तो 5.44 का है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 445.91 का है। वहीं अगर ऑपरेटिंग इनकम की बात करेंगे तो ये माइनस में चली जाती है 427.2 मिलियन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू देखेंगे तो 1.62 बिलियन है, जो कि ईयर ऑन ईयर में हिसाब से देखा जाए तो 13.73% डाउनफॉल। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ लेके चलूँगा इसके फंडामेंटल्स में, हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके रिटर्न परसेंटेज को देखने के लिए। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा इस कंपनी की जो मार्केट कैप है करोड़ में अगर देखेंगे तो 935.70 करोड़ इंडियन मार्केट रुपीज़ में है। और यहाँ पे फेस वैल्यू इस कंपनी की दोस्तों 10 रुपये के आस 10 रुपये है। 10 रुपये से मार्केट की लॉट साइज़ 1 की है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 81 पॉइंट, आई थिंक दैट पीई रेशियो वॉज नॉट अपडेटेड हियर, इट्स पीई रेशियो इज़ शोइंग 9.06। जी हाँ दोस्तों, 9.06 का पीई रेशियो यहाँ शो हो रहा है, वो अपडेटेड नहीं था। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ मनी कंट्रोल से बता रहा हूँ, तो यहाँ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है इसके अंदर ली गई है 81.12%। मतलब यहाँ पे रतन इंडिया के अंदर सेलर्स ज़्यादा थे, इसके बावजूद भी यहाँ पे 81.12% की डिलीवरी उठाई गई है फ्राइडे के दिन। और इसकी जो बुक वैल्यू है दोस्तों 7.51 है। वहीं अगर प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो 0.27 है। वहीं अगर ईपीएस देखेंगे तो 3.85 का है। ठीक है, और ये हाई और लो मैंने आपको बता ही दिया था। लो अगर देखेंगे तो 52 वीक लो इसने बना रखा है 0.95 का। वहीं अगर 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 3.30 का है। ठीक है, एंड इसके अंदर जो वॉल्यूम ट्रेड होता है फ्राइडे के दिन वो होता है 2,17,941। जी हाँ दोस्तों, और ये क्लोज होता है 2.05, मतलब जहाँ ओपन हुआ वही उसका लो, वही उसका हाई, वहीं पे क्लोज हो गया। लेकिन अब मैंने आपको चार्ट दिखाई दिया ऑलरेडी, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा रिटर्न परसेंटेज के लिए, जो कि होश उड़ा देने वाले हैं। प्राइस के हिसाब से जो इसकी जो शेयर प्राइस है, स्टॉक प्राइस है 2.05 के आसपास है, उसके कंपेयर में रिटर्न परसेंटेज तो काफ़ी लाजवाब है। आप यहाँ देख सकते हैं एक हफ्ते का इसने रिटर्न परसेंटेज तो चलिए माइनस में दिया है, -22.64%। वहीं अगर एक महीने का देखेंगे तो आपको 10.81% का है। वहीं अगर 6 मंथ का देखेंगे तो आपको 86.36% का है। वहीं अगर एक साल का देखेंगे तो -33.87% का। लेकिन इन बातों में सब चीज़ों को छोड़िए, आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो ग्रीन वाले इनको फोकस करिए आप। सही, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप किस पॉइंट पे बाई कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि आपने उसमें बाई किया है, बाई आप कहीं पे भी कर लेंगे, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट मैटर्स कि आप किस पोजीशन पे बाई किया है, कब बाई किया आपने, किस सिचुएशन में बाई किया है। कंपनी क्या अच्छी कंडीशन में थी जब बाई किया उस समय, या बुरी सिचुएशन में थी, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको जाननी पड़ेंगी। क्योंकि ऐसे बाई करने से, रैंडमली बाई करने का मतलब वो एक तरीके से स्पेकुलेशन हुआ, स्पेकुलेशन ही करना है। ठीक है, तो अगर मैं आप पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए इसमें, बाई करें कि होल्ड करें कि एग्ज़िट हो जाएं, क्या करें, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने कहीं ऊपर इसको बाय कर रखा है तो आप इसे एवरेज आउट कर सकते हैं। और अगर आपने बाय ही नहीं किया इसके अंदर, आप समय देख करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने आपको रिटर्न परसेंटेज दिखाई दिया। आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 महीने 3 महीने के लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए और उससे एग्ज़िट हो जाया करिए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ज़्यादा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। एंड तो उसके लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में आपको किस पोजीशन पे बाई कर रहे हैं इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। लो पे बाई करिए एंड हाई पे बेच दीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में, मैं नहीं कहूँगा कि आप बहुत लॉन्ग टर्म समय के लिए होल्ड करिए। आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस आपको काफ़ी सस्ती है, सस्ते दाम पे आपको स्टॉक मिल रहा है। तो आप इसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे लेने में कोई बुराई नहीं है। और थोड़ा सा लगाइए, ऐसा नहीं है कि पूरा इसी के अंदर इन्वेस्ट कर देना है। थोड़ा सा लगाइए, सही समय पे लगाइए, ठीक है। और समय सही लगा होनी चाहिए बाय करने समय, और सही समय पे उसको निकाल दीजिए, उससे एग्जिट हो जाइए। यही चीज़ें होती हैं जो हमें ख्याल रखनी चाहिए। अब मैं दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको तो थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्च 2019 का डेटा यहाँ अवेलेबल दिख रहा है, और जिसमें आप देख सकते हैं जून 19 का भी है यहाँ पे। जून के आगे वाले क्वार्टर्स का भी अपडेटेड नहीं है। 53.08% जो है प्रमोटर्स के पास है, और 16.79% FIIs के पास है, 11.92% जो है DIIs के पास है, और 18.21% जो है इसका शेयर होल्डर्स अदर्स में आते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह वगैरह हो सकते हैं। तो और मैंने आपको प्रॉफिट और अर्निंग्स ऑलरेडी बता दिया। तो ये है दोस्तों इस कंपनी के अंदर का फंडामेंटल और इसका स्टेटस। तो आई होप आपको ये एनालिसिस, क्विक एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और दोस्तों आप उनको जानते हो जिनको डीमैट स्लैश ट्रेडिंग की अकाउंट की ज़रूरत है, ओपन कराना चाहते हैं, परेशान हैं काफ़ी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से अकाउंट कोई भी ओपन करा सकता है अब स्टॉक के अंदर, ठीक है। और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगा। तब तक टेक केयर गाइस, गुड बाय।